आदि पुरुष के लिए मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, ट्वीट कर कही ये बात। वेल, आदि पुरुष रिलीज से पहले और अब रिलीज के इतने दिन बीतने के बाद भी विवादों का सामना कर रही है। फिल्म के डायलॉग से लेकर प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान सबके कैरेक्टर पर लोग सवाल उठा रहे हैं, या यूं कह लीजिए आदि पुरुष का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अब फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी है। दरअसल मनोज मुंतशिर ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़े पूज्य साधु संतों और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करे, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। आपको बता दे, फिल्म के डायलॉग की आलोचना के बाद फिल्म मेकर्स ने फिल्म के डायलॉग में बदलाव किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर फिल्म के डायलॉग्स बदलने की जानकारी दी थी। फिल्म मेकर्स नहीं चाहते थे कि डायलॉग से लोगों की भावनाएं आहत हो, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। खैर, देर से ही सही, इनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ और शायद अब मनोज मुंतशिर के माफी मांगने के बाद लोगों को थोड़ी शांति मिले। आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही सभी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।